गाइस वेलकम। तो आज मैं आपके लिए एक ऑयल वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि हेयर ऑयलिंग के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत छोटी वीडियो, ज्यादा लेंथी नहीं है, तो आप इसे पूरा आराम से देख सकते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको सबसे पहले वेलकम एंड थैंक यू, आपने उनको सब्सक्राइब किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कोकोनट और एलोवेरा जेल ऑयल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल तो सभी लगाते होंगे अपने हेयर में, अपने हेयर ऑयलिंग के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम कोकोनट के अंदर एलोवेरा जेल मिलाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल दोनों ही हेयर के लिए एक तरह से पावर बूस्टर कहा जाता है, इसे यानी कि पावर बूस्टर का काम करता है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल इंग्रेडिएंट माने गए हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि एलोवेरा जेल में बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कोकोनट ऑयल में भी हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे हेयर के लिए काफी अच्छे होते हैं। ये हमारे बालों को पोषण देता है, नमी देता है, मॉइस्चर देता है हमारे बालों में, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होता है। हमारी स्किन को भी बहुत अच्छे से नरिश करता है। तो अगर आपका स्कैल्प अच्छे से रहेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो अब इसको बनाना कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं आपको जो इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, उसकी जो मेजरमेंट बता रही हूँ, वो आप चाहे तो रेगुलर जब भी आपको हेयर ऑयलिंग करनी है, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आपको जो ये बनाना है ये आप रेगुलर जब भी यूज करते हैं, क्योंकि रेगुलर तो आप ऑयलिंग नहीं करते होंगे, दो दिन छोड़ के जो भी आप ऑयलिंग करते हैं, जैसा भी आपका रूटीन है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्रेश बनाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना है बनाने में, इंस्टेंट आप इसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, साथ में दो चम्मच आपको लेना है कोकोनट ऑयल, उसके अंदर लेना है आपको एक चम्मच हनी और एक विटामिन ई का कैप्सूल। इन सबको मिक्स करके आपको लगाना है अपने बालों में अच्छे से, स्कैल्प पे आपको लगाना है, क्योंकि जब आपका स्कैल्प अच्छा से आप उसे नरिश करोगे तभी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। आपके स्कैल्प पे ऑयलिंग करना बहुत मस्त होता है। बहुत सारे लोग ऊपर ही ऊपर जो है ऑयलिंग कर लेते हैं, उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे स्कैल्प से होती है, ये आप सभी जानते होंगे। तो स्कैल्प पे आपको इसे अच्छे से मसाज करना है और नेक्स्ट टू मैक्स आप इसे 2 से 2.5 घंटा आप इसे रख सकते हैं अपने बालों में। और उसके बाद अपने जो भी रेगुलर आप जो भी आपका फेवरेट या आपका ये जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उससे अपना हेयर जो है वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो हेयर है उसमें नरिशमेंट रहेगी, साथ के साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और हेयर टूटने में भी, मतलब अगर कम करेगा, अगर आपके हेयर बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। अगर मैं इस सीजन की बात करूं, जो ये जुलाई अगस्त का सीजन होता है, ये एक सीजन ही होता है बाल टूटने का, तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि इस टाइम आपको इसमें अच्छे से अच्छे शैम्पू भी काम नहीं करते हैं। सबके हेयर इसमें जरूर जो है ये झड़ते हैं, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा होता है। अदरवाइज अगर आपके रेगुलर बेस पे भी हेयर फॉल होते हैं तो ये आपके कम करने में हेल्प करेगा धीरे धीरे। तो आप इस ऑयलिंग का यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ऑयलिंग है। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज भी सजेस्ट करूंगी कि हेयर ग्रोथ जो है आपके डाइट पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी डाइट ज्यादा अच्छी है तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपके प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी आपके बालों को जरूरत होती है वो आपके लिए हेल्प करेगी आपकी हेयर ग्रोथ में, तो इसका भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे या मेरे कोई भी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।